क्या आप लोग तैयार है? एक ऐसा सिटी, एक ऐसा शहर जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, और उस शहर से इतना सारा हिस्टोरिकल चीजें, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल जगह जो जुड़ा हुआ है, आप लोग जानकर हैरान हो जाइएगा। तो ठीक दोस्तों, मुझे गर्व होता है कि मैं वेस्ट बंगाल स्टेट में रहता हूँ, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल स्टेट में जो हुगली नदी है, जो हुगली नदी बसी है, ठीक उस हुगली नदी के किनारे में जो शहर, एक छोटा सा शहर बसा हुआ है, नाम है चंदन नगर। तो ठीक, हम लोग आज बात करने वाले हैं चंदन नगर सिटी का। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से गंगा विलास क्रूज जो यात्रा यह चालू किया गया था, ठीक उसी के तहत बहुत सारे जो फ्रांस के लोग हैं, और हम लोग इन्हें विदेशी लोग भी बोल सकते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ हमारे इंडिया के बाहर से आए हुए हैं। तो ये लोगों का मतलब दावा था, ये लोगों का मकसद था कि हम लोग जो 1850 साल के पहले जब चंदन नगर सिटी में फ्रांस लोग रहते थे, फ्रांस लोगों की पूरा बस्ती रहती थी वहाँ पर, और फ्रांस लोग शासन करते थे, तो ठीक उस सिटी को हम लोग घूमना चाहते हैं जहाँ पर 1850 से पहले फ्रांस लोग वहाँ रहते थे। आखिर उस सिटी में ऐसा क्या खासियत था? तो जो आप लोग मेरे स्क्रीन के पीछे वीडियो देख रहे हैं, तो ठीक ये जो गंगा विलास क्रूज, ये गंगा के जरिए होते हुए, इसी रास्ते होते हुए लोग आए हैं चंदन नगर विजिट करने और देखने कि चंदन नगर में आखिर ऐसा क्या खासियत था कि यहाँ पर फ्रांस लोग आके अपना स्थापना किए, मतलब अपना शासन किए। तो चलिए देखते हैं इनका रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट डीडी न्यूज़ जो है उनके जरिए किया गया है, वो लोग यहाँ खुद आए थे, रिपोर्टिंग किए हैं। तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या बताना चाहते हैं, और जो फ्रांस से और उन बाहर देश से भी जो लोग आए हैं चंदन नगर विजिट करने के लिए, उनको हमारा वेस्ट बंगाल का हुगली नदी, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है हुगली और चंदन नगर सिटी कैसा लगा, उनका ओपिनियन सुनते हैं। पश्चिम बंगाल की हुगली जिले में स्थित एक शहर चंद्रनगर, गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों ने इस शहर के इतिहास को करीब से देखा, कुछ देर यहां बने सुंदर फुटपाथ पर विचरण किया। यह शहर कभी फ्रांस का उपनिवेश था, जिसे सन 1950 में भारत में मिला लिया गया। हुगली नदी के किनारे स्थित यह स्थल मात्र 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सैलानियों ने यहाँ की सुप्रसिद्ध सेक्रेड हार्ट चर्च में प्रार्थना की, सेंट थॉमस स्कूल में बच्चों से मिले, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, यहाँ मौजूद फ्रेंच संग्रहालय में लगी तत्कालीन प्रयोग में आने वाले सामानों की प्रदर्शनी को देखा, 1931 में बने चंद्रनगर कॉलेज भी गए। About India, it's a very diverse country. It's a beautiful, friendly, welcoming, and colorful, and religious. It's so diverse. It's everything to be found in this country. I've seen the Ganges, I've experienced it in Varanasi before, and I didn't expect it to be so wide at some places and also so narrow again on others. And being able to see it every day, you look outside the window and keep on cruising along, it's very nice. Also all the people who are waving at us and screaming, the little child there, like, hey, calling for our attention and waving, and it's absolutely amazing. यहाँ फ्रांसीसी सत्ता का कभी शासन था, गंगा किनारे एक पूरी फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी। वर्तमान के झरोखे से इतिहास को निहारने की कड़ी में सैलानियों का अनुभव अतुलनीय रहा। चंदनगर में हम आए हुए हैं, और चंदनगर में यहाँ के जो फ्रेंच आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं उनको देख रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स को देख रहे हैं, और यहाँ बहुत बढ़िया ये वॉकिंग प्रोमेनाड है जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे फ्रेंच लोग घूमते थे, तो वहाँ हम घूम रहे हैं। उसके बाद में हमने चर्च भी बाहर से देखा, और उसके बाद में हम डुप्ले म्यूजियम है जो कि पैलेस है, जो फ्रेंच गवर्नर का था, यहाँ जो रूल करता था, उसमें म्यूजियम है, तो उससे फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट है बंगाल में, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्या ट्रेड है, उससे इनको सीखने को मिलेगा। और हमारे जो मेहमान हैं इस चीज़ को बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं, शांति से देख रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंच म्यूजियम का मतलब यहाँ पर फ्रेंच लोग रहते थे, और ये यूरोपियन कॉलोनी था। आप देखिए बंडेल से श्रीरामपुर तक हर एक प्लॉट फ्रेंच लोग बांट लिए थे, और वो लोग मिलजुल कर रहते थे। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानियों के लिए भारत के मिले जुले सांस्कृतिक रंगों को हर दिन अलग अंदाज में देखना भा रहा है, वो यहाँ बार बार आना चाहते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों को बस इतना बता दूं कि वेस्ट बंगाल में जो हुगली नदी के किनारे जो चंदन नगर सिटी है, यानी कि हम लोग बैंडल से लेकर श्रीरामपुर तक पकड़ सकते हैं,
तो इतना दूर का डिस्टेंस में बहुत सारा इतिहास छिपा हुआ है ब्रिटिश गवर्नर का, फ्रांसीसियो लोगों का। तो मैं बहुत जल्द कोशिश करने वाला हूँ और उधर का सारा हिस्टोरिकल प्लेस मॉन्यूमेंट्स डिपार्टमेंट जो है सारा आप लोगों को विजिट करके पूरा इतिहास उठाकर यंग जनरेशन को दिखाने वाला हूँ। तो बहुत जल्द हर एक टॉपिक के ऊपर कवर करूंगा और आप लोगों को मेरे इस चैनल के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए गाइज, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ऐसे ही अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।